हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया जरूरी शैक्षिक समाचार सभी साथी कर्मचारी बेरोजगार छात्रों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज महत्वपूर्ण खबर के बारे में, वो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2000 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर, जो वो है शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोर सिंह सलावत ने राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ज्ञापन देकर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में नव चयनित 9322 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 9 विषयों में लगभग 9000 से अधिक पदों के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का आयोजन करवाया गया, जिसका अंतिम परिणाम जारी करके आरपीएससी ने सभी विषयों में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की अजमेर में काउंसिलिंग करके सभी आवश्यक प्रमाण पत्र का जाँच कार्य पूर्ण करने के बाद आवेदन जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर भेज दिया है। लेकिन जहाँ से चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटन का कार्य होकर नियुक्ति भी दी जानी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में लॉकडाउन हो गया और जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया रुक गई है, इसलिए जिन विषयों में के आवेदन माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आ गए हैं इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाकर मंडल आवंटन कराकर नियुक्ति दी जाए। प्रदेश कोषाध्यक्ष अरहंत सुराणा ने भी बताया कि संघ द्वारा पूर्व में भी और ध्यानाकर्षण किया गया था। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग को लेकर जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है। आगे खबर है दोस्तों आरपीएससी को लेकर, वो ये है आरपीएससी परिणाम जारी करे तो स्कूलों को मिलेंगे 5000 लेक्चरर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित करे तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 5000 स्कूल व्याख्याता मिल सकेंगे। परिणाम में हो रही है देरी, इसी को देखते हुए बेरोजगारों ने सीएम अशोक गहलोत से दखल देकर परिणाम जल्द जारी कराने की मांग की है। राजस्थान बेरोजगार हकीकत महासंघ के उपेन यादव ने सीएम को भेजे पत्र में कहा कि आयोग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की परीक्षा 3 से 13 जनवरी 2020 तक आयोजित की थी। पूरे हुए अब 4 माह 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस कारण प्रदेश के लाखों बेरोजगार परेशान हैं। सीएम से आग्रह किया गया है कि जल्द ही प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का परिणाम जारी करवाकर लाखों बेरोजगार को राहत प्रदान की जाए। उपेन यादव ने कहा कि सरकार ने नई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 की भी घोषणा की थी, तो जल्द से जल्द परिणाम जारी की जाए तो स्कूलों में ये लेक्चरर मिल सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, राज्य में पंचायतों की स्थायी समितियों का निर्वाचन 15 जून को होगा। राज्य की पंचायतों में स्थायी समितियों का चुनाव 15 जून को होगा। इसके लिए सरकार ने पंचायती राज विभाग ने विभिन्न जिला परिषद के सीईओ संबंध अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी जिला परिषद के सीईओ एसीओ और बीडीओ को आदेश जारी कर जिन पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं उन पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए ऐसी सभी पंचायतें जहां पूर्व में विभिन्न चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं उन पंचायत समितियों के भी सभी पंचायत में स्थायी समितियों के निर्वाचन परियोजना बैठक के लिए राज्य सरकार ने 15 जून की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही तैयारियों के दिए हैं निर्देश। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने एक दिन पहले सभी बीडीओ पंचायत समितियों को इसकी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। सीईओ यादव ने कहा कि निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अधीन पंचायत समिति की ऐसी सभी ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार की ओर से निर्धारित तिथि 15 जून को स्थायी समितियों के चुनाव के लिए नियमानुसार बैठकों का आयोजन करवाकर उसी दिन तुरंत चुनाव संपन्न करवाकर इसकी सूचना भेजी जाए। तो राज्य में पंचायत की स्थायी समितियों का निर्वाचन 15 जून को होगा, राज्य सरकार ने दिए हैं आदेश। अगली खबर है दोस्तों राज्य कर्मचारियों के लिए कि राज्य कर्मचारियों की ऑनलाइन जो प्लान जनरेशन की प्रक्रिया है वो हो गई है अब शुरू। राज्य बीमा व प्रावधिक निधि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंशदाताओं को ऑनलाइन प्लान जनरेट करने के लिए सीआरए द्वारा ऑनलाइन प्लान नंबर जनरेट होगा। अब ऑनलाइन प्लान जनरेशन मॉड्यूल ओपीजीएम विकसित किया गया है। एनपीएस राज्य कर्मचारियों की ऑनलाइन प्लान जनरेशन की नवीन प्रक्रिया रहेगी। डीडीओ अपने नव नियुक्त कर्मचारियों के सीएसआरएफ सेवाओं के लॉगिन से www.cra.nsda.com.in पर लॉगिन करके सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर सकेंगे। इसके साथ ही प्लान जनरेशन डिटेल कैप्चर स्क्रीन लिंक प्रदर्शित होगा। इसको भरने के बाद अंशदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म के आधार पर पूर्ण सावधानी से भरा जाएगा, जिसके तहत जो है जन्म तिथि है, दिनांक नियुक्ति दिनांक है, मनोनीत का विवरण है, उसका बैंक विवरण आदि सही पूर्ण रूप से भरा है या नहीं इसकी जांच करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी की फोटो हस्ताक्षर को स्कैन करके 12 KB में डिजिटल सेव किया जाएगा। अंशदाता द्वारा प्रस्तुत फॉर्म स्कैन करके डिजिटल अपलोड किया जाएगा। डीडीओ द्वारा उपयुक्त अनुसार संपूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर 17 नंबर का एक जनरेट होगा। 17 नंबर के एक्नॉलेजमेंट आएगी। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर कर्मचारी का सीएसआरएफ बीमा विभाग के जिला कार्यालय को फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद डीडीओ द्वारा सीएसआरएफ की हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में बीमा विभाग को जो है कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि बीमा विभाग के जिला कार्यालय को फॉरवर्ड किया गया है। सीएसआरएफ संपूर्ण जांच के बाद सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए को अग्रेषित आगे करेगा। इसके आधार पर फिर सीआरए अधिकतम 72 घंटे में अंशदाता को पीआरएएन
आवंटन कर देगा, यानी प्राण नंबर, जिसकी सूचना ईमेल अथवा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाएगी। समस्त वीडियो प्रूफ दिए गए निर्देशों के पूर्ण पालना करना सुनिश्चित कराएं। तो इस तरह से अब राज्य कर्मचारी के ऑनलाइन प्राण जनरेशन होगा एनपीएस कटौती के लिए। आगे खबर है दोस्तों, अगली वो इग्नू पाठ्यक्रम को लेकर है कि इग्नू में जुलाई 2020 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जो विद्यार्थी हैं जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 2020 के लिए जुलाई से उनके प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। जोधपुर के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली ने नोटिस जारी कर जुलाई 2020 के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत इच्छुक विद्यार्थी स्नातक है कला वाणिज्य विज्ञान और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा विभिन्न प्रकार के जो डिप्लोमा होते हैं उनमें प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ ही जो है विभिन्न तरह के जो कोर्स है प्रबंधन प्रमाण है जैसे प्रमाण पत्र वगैरह है, डिग्री कोर्स है, अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर ये प्रवेश ले सकते हैं और पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो ये है तकनीकी छात्रों को छूट देने की तैयारी चल रही है, बाद में दे सकते हैं परीक्षा। टेक्निकल शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय कर रहे हैं इस पर विचार। प्रदेश के टेक्निकल जो विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर टेक्निकल शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय ने तैयारियां तेज कर दी है। कंटेनमेंट जोन में रह रहे छात्रों को परीक्षा का विशेष अवसर दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में आने में असमर्थ है तो उनकी परीक्षा बाद में भी की जा सकेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि कोरोना परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि फाइनल की परीक्षाओं का निर्णय विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया गया है, जिसको वे ऑफलाइन या ऑनलाइन ले सकता है। बीकानेर तकनीकी जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति प्रो एसडी चारा ने मंत्री, राज्यपाल और सचिव को पत्र लेकर विद्यार्थियों को सतत मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने की मांग की है, क्योंकि ऐसा देश के कई आईआईजी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि मिड टर्म परीक्षा और सतत मूल्यांकन के आधार पर अप्रैल तक विद्यार्थियों का 60% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी का मूल्यांकन हो चुका है। उसी के अनुपात में विद्यार्थी को टर्म परीक्षा के भी अंक दे दिए जाएँ और परिणाम घोषित कर दिया जाए। आगे खबर है दोस्तों, अगली वो है राजकीय कॉलेजों में जो एडमिशन प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर। राजकीय कॉलेज में एडमिशन नवीनीकरण जो है 15 जून से शुरू हो रहा है। प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेज में 15 जून से एडमिशन नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएशन के सेकंड और थर्ड ईयर के छात्र और पीजी उत्तरार्ध में एडमिशन नवीनीकरण 30 जून तक चलेंगे। वहीं पिछले साल खुले 38 नए राजकीय कॉलेज में एडमिशन के लिए मास्टर एंट्री 20 जून तक पूरी की जा सकेगी। नए कॉलेज में इस बार एडमिशन ऑनलाइन ही होंगे। कॉलेज आयुक्त की 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने की भी प्लानिंग है, हालांकि सरकार के आदेश के बाद ही कक्षाएं शुरू होगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण खबर और समाचार इस वीडियो में, सभी साथी कर्मचारी बेरोजगार छात्रों के लिए। आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।